नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के किसी भी कॉलेज से। अगर आप लोग भी बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम प्राइवेट फॉर्म 2024 में अप्लाई कर रहे हैं और फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपसे एबीसी आईडी कार्ड मांगी जा रही है, तो एबीसी आईडी कार्ड क्या है, कैसे आप अपना एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की आपको यहां पर रिक्वायरमेंट होने वाली है, किन बातों का आपको यहां पर ध्यान रखना एबीसी आईडी कार्ड में, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपना एबीसी आईडी कार्ड आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में अगर आप लोग भी यूजी, पीजी, टेक्निकल डिप्लोमा, मेडिकल डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप लोग महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम प्राइवेट में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और आपसे भी एबीसी आईडी कार्ड मांगी जा रही है, तो एबीसी आईडी कार्ड का मतलब क्या है, एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट होता है जैसा कि देख सकते हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं abc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एबीसी कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं और मात्र 5 मिनट में आपका जो एबीसी कार्ड है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एबीसी कार्ड बनाने के लिए आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट का, माय अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यदि आपने इससे पहले भविष्य में कभी अपने आधार कार्ड से डिजी लॉकर अकाउंट को बनाया है तो आप लोग अपने डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, पिन डाल के अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। चाहे आप अपना यूजर नेम या फिर पिन डाल लीजिएगा, चाहे आप लोग अदर रीजन में यहाँ पर आधार नंबर या फिर पैन नंबर के माध्यम से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यदि आपने इससे पहले कभी भी डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया और आप बिल्कुल नया एबीसी कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ओटीपी का, और जैसे आप लोग ओटीपी जनरेट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो ओटीपी वेरिफिकेशन है ये सक्सेस हो गया है, चेक का निशान लग गया है। इसके बाद हम अपना फुल नेम फिलअप करेंगे जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट पे दिया हो। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले दिन, महीना, फिर ईयर, फिर इसके बाद अपना जेंडर, यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पर एम पिन, कन्फर्म पिन और यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो डिजी लॉकर अकाउंट है ये सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी कार्ड बनाने के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का लिंक होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपना एबीसी कार्ड को बना पाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अंकों का ओटीपी सेंड किया है। ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर रीलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 सेकंड तक हमें यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डिजी लॉकर से आधार हमारा यहाँ पे अटैच कर लिया गया है। अब हमें यहाँ पर केवल इसे अलाउ करना है, तो हम यहाँ पर इसे अलाउ करेंगे। तो फाइनली दोस्तों अलाउ करने के बाद डायरेक्टली हम आ चुके हैं एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपसे कुछ पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी संस्था का नाम फिल करना है, जिस भी संस्था से आप डिग्री कर रहे हैं और जहाँ भी आप उस एबीसी कार्ड को देना चाहते हैं। तो हालांकि मैं MGPRU का स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग भी बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम प्राइवेट अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो एडमिशन ईयर है वो हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट में 2024 यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन यानी आईडी नंबर हमारे लिए अभी नहीं मिला क्योंकि हम
हम एक नए स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ पे इसे नो रखेंगे। और ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के तुरंत बाद ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एबीसी स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट। यहाँ पर हमारा जो एबीसी अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमें एबीसी नंबर देखने को मिल गया है। इसके बाद यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर जाके हम अपने एबीसी कार्ड को चेक कर सकते हैं। और एबीसी कार्ड चेक करने के बाद आपके डिजी लॉकर पे भी 24 से 48 घंटे में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज में अपने फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। तो फाइनली आपका जो डिजी लॉकर से एबीसी कार्ड प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह का आपको प्राप्त होगा, जैसा कि आप लोग वीडियो के साइड में देख सकते हो। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग भी अपना एबीसी कार्ड को नया बना सकते हैं। उम्मीद पूरी करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।